हेलो। तो फ्रेंड्स एंड फैंस, क्या हाल चाल है? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। यार आज ना हम जिस पैन चोलियों की बात करने लगे हैं, उसने हर छोटे लड़के से लेकर बूढ़े बुजुर्ग दादे तक हर किसी को उंगल दे रखी है, और उस उंगल का नाम है CID। यार पूरी दुनिया के पुलिस में आज तक जितने केसेस नहीं सॉल्व किए, उससे ज्यादा तो हमारी सोनी टीवी के CID ने तमाम केसेस सॉल्व कर लिए हैं। और आज तक पूरी दुनिया में इतने दरवाजे भी नहीं मैन्युफैक्चर हुए होंगे जितना दया एक रात में दरवाजे तोड़ देता है। दया दरवाजा तोड़। नया डोर तेरे बाप लेके आएगा। और अभी तक पूरी दुनिया में इतने मर्डर नहीं हुए होंगे जितनी दफा ACP और दया मर के दोबारा जिंदा हो चुके हैं। तो यार CID में सबसे पहला और सबसे बड़ा करेक्टर आता है ACP प्रद्युमन का, जिसको पूरी दुनिया में लोग सिर्फ इस डायलॉग से जानते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद सबसे बड़ा करेक्टर आता है दया का, जिसका CID में काम ही सिर्फ दरवाजे तोड़ना है। दया दरवाजा तोड़। और फिर तीसरा नंबर आता है CID के ऑफिसर अभिजीत का, जो अपनी ही CID ऑफिसर डॉक्टर तारिका के पीछे हाथ मुंह नुनू सब कुछ धोके पड़ा हुआ है। आजकल क्या चल रहा है तारिका जी? तारू तो अब हम बात करेंगे CID में होने वाली कुछ अनहोनियों के बारे में। अबे ये तो गिर गया, ये तो मर गया। CID को फोन करना होगा। बाइक नहीं स्टार्ट हो रही तो ACP को बुलाओ, ताला नहीं खोला तो दया को बुलाओ, नुन्नू का साइड मालूम करना है तो डॉक्टर सालू को बुलाओ। यार ये CID है, कोई मजाक नहीं है। हेलो CID, मैं नन्नगिरी से बोल रहा हूँ, ये टेके के सामने जो पार्क है। अबे नल्लगिरी से बोलने वाले पहले अपने अल्फाज तो सीधे कर ले, पार्क नहीं होता, पार्क होता है। पार्क है? अबे पार्क होता है वो, उसमें मर्डर हो गया है। अभिजीत गाड़ी निकालो। हाँ अभिजीत गाड़ी निकालो, और इस कमजोर से ACP को पहले हॉस्पिटल ले चलो एक ड्रिप लगवाने के लिए ग्लूकोज की। अबे कितनी चिकनी गांड है तेरी, पैठे ही फिसल गया तू। नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी मर्डर हो जाए तो उन्होंने तो सिर्फ CID को ही कॉल करनी है। फोन सर, हेलो। और मर्डर का सुनने के बाद तो पूरे CID वाली टीम के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या? और उसके बाद CID वाले पहुंच जाते हैं सीधा लाश वाली जगह पर, और लाश को उठा के हवाले कर देते हैं डॉक्टर सालू के। और उसके बाद ACP का सवाल होता है, क्या पता चला राज की मौत के बारे में, मौत कैसे हुई? और फिर ACP को सिर्फ यही जवाब मिलता है कि बॉस मुझे लगता है कि इसकी मौत मरने से हुई है। हाँ तो गाइस अभी के लिए इतना ही। माना कि ये वीडियो नासिर खानदान के नुन्नू की तरह थोड़ी छोटी है, लेकिन गुजार कर लो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम CID पर पूरा बड़ा रोस्ट होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।